हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, आज हम लोग वापस से आ चुके हैं अपनी स्कूल टीचर को परेशान करने, क्योंकि आज हम खेलने जा रहे हैं स्केरी टीचर 3D। और आज है हमारा डे 24 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज। तो गाइस यार, आपको याद होगा कि हमने बहुत सारी चीजें टीचर के साथ करी थी, जैसे कि उसको माउस ट्रैप में उसका हाथ दे दिया था, उसके हमने फूड में थोड़ा नमक डाल दिया था, उसका टीवी तोड़ दिया था, उसकी आउटफिट फाड़ दी थी, पिन हमने उसका अटैक किया था। अब बारी है एक कैट को फ्री करने का। हमारी जो स्कूल की टीचर है, उसने एक बिल्ली को अपने घर के अंदर बंद करके रखा है, तो हमें उस आज बिल्ली को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये वो बिल्ली है, और ये आराम से यहाँ पर है। ये टीचर इतना ज्यादा खुश हो रही है इसको पकड़ने के बाद, और यहाँ पर ये वो की है जो कि हमें चुरानी है अगर हमें उसकी बिल्ली को बचाना है। तो फटाफट से घर के अंदर घुस जाते हैं और उस बिल्ली को बचाते हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा ये कौन से फ्लोर पर है। टॉर्चर रूम में बिल्ली को बंद कर रखा है, ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है। मुझे ट्रैप से बचना पड़ेगा और मुझे जाकर टॉर्चर रूम जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर टॉर्चर रूम तो नहीं लग रहा। एक सेकंड, ये तो कहीं से बाहर आ रही है, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, ऊपर वाले फ्लोर पर है टॉर्चर रूम, तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ चुपचाप से, ताकि ये मुझे पकड़ ना ले। तो गाइस सर, अभी हमारी टीचर इधर से नीचे आ रही है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मुझे देख ना ले। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरी हालत यहाँ पर खराब होने वाली। किस तरफ जा रही है? ओके, अबे देख लिया, भागो 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 भागो, ये मुझे पकड़ लेगी। ट्रैप से बचते बचाते जाना पड़ेगा, भागो। बच गया। तो गाइस सर, अभी तो मैं यहाँ पर बच चुका हूँ, ये मुझे पकड़ लेती पर मैं यहाँ पर अभी पूरा ढंग से बच चुका हूँ। अभी मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा है, तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो फटाफट से इधर ऊपर चढ़ जाते हैं, ये गेट खोलेंगे, सीधा अंदर चल लेते हैं, बस वो ऊपर ना जाइए, स्टार भी ले लेते फ्री का। देखो कितना खतरनाक बना रखा है इसने। मुझे यहाँ पर जल्दी से टॉर्चर रूम ढूंढना पड़ेगा, और ये तो ऊपर ही आ रही है, मुझे यहाँ पर छुप जाना चाहिए जाकर। अरे फिर से देख लिया इसने मुझे, भागो। ये मुझे नहीं पकड़ पाएगी, इतनी तेज भाग भी नहीं सकती। मैं इधर से भागने वाला हूँ ताकि मुझे देख ना पाए। और अब यहाँ पर गुजरते, और यहाँ मुझे एनर्जी ड्रिंक मिल चुकी है, इसको फटाफट से पी लेते हैं। ये तो मुझे बार बार देख ही ले रही है, मैं कैसे जाऊं यार। रुक जाओ, इसको एक बार नीचे जाने दो, फिर हम अंदर चलेंगे। ओके, अभी ये नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है? इधर ही आ रही है। तो अब वापस से हमें उधर चल जाना चाहिए, यहाँ से चलते हैं। अभी गाइस यार, वो नीचे यहाँ से जा रही है, इसको पहले नीचे जाने देते हैं, वरना वो मुझे फिर से देख लेगी। टॉर्चर रूम हमारे जस्ट सामने ही है, और वो अभी नीचे जा चुकी है। पर फटाफट से अंदर चलते हैं टॉर्चर रूम में। और गाइस यार, यहाँ से हमें की उठानी पड़ेगी। पहले की मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, फटाफट से इसको यहाँ से खोल देते हैं। खुल जा सिम। और गाइस यार, अभी हमने यहाँ पर खोल दिया है, गेट को भी खोल देते हैं। और वो आंटी फिर से आ गई, भागो। आजा, पकड़ के दिखा। अभी हमने उस बिल्ली को यहाँ से निकल दिया। एक सेकंड, मुझे कैट को उठाकर लेकर जाना था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। रुक जाओ, कैट को मैं यहाँ से उठा तो नहीं पाया, और मैं यहाँ से नीचे भी गिर चुका हूँ। ये क्या हो गया, मैं तो अटक गया। अभी गाइस यार, टीचर ने उस कैट को पकड़ लिया, तो हमें वापस से रिप्ले करना पड़ेगा। तो गाइस यार, अभी हमें वापस से ये लेवल कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो बहुत ही मुश्किल है, बार बार मुझे देख रही थी। मैंने लगभग कंप्लीट कर तो दिया था, पर उस कैट को हमें यहाँ से निकालना भी पड़ेगा, मतलब खुद उठा कर लेकर जाना पड़ेगा। तो अभी अपन फटाफट से चल लेते हैं, वो रूम से बाहर निकल रही है। जैसे वो नीचे जाएगी, हम सीधा अटैक कर देंगे और उस कैट को बचा लेंगे। फटाफट से इधर ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो नीचे चली जाए बस यार। अभी फटाफट से हम जिम के अंदर वापस से आ चुके हैं, ये गेट खोल लेते हैं। कहाँ पर है वो? सामने ही है, मुझे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। गेट चुपचाप बंद कर देता हूँ, एक बार वो नीचे चली जाए फिर हम जाएंगे, और इस बार तो हम उसको पूरा सक्सेसफुल करने वाले। और ये यहाँ से नीचे चली गई। टॉर्चर रूम का यहाँ से भी रास्ता मैंने देखा नहीं, तो यहाँ से फटाफट से अंदर चलेंगे और ये की उठा लेते हैं, और इस कैट को भी हम यहाँ पर बचाने वाले हैं। इसका गेट खोल देते हैं, और ये पूरा का पूरा गेट भी खोल देंगे, और इस कैट को जल्दी से मैं उठा लेता हूँ। चल 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 चल, निकल 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 निकल। वो आ रही आ रही आ रही है, उस बिल्ली को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। जल्दी से यहाँ से चल लेते हैं, भागो 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 भागो। और गाइस यार, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ये हमें नहीं पकड़ पाई, और हमने उस बिल्ली को बचा लिया। क्या हो गया टीचर? बिल्ली को पकड़ के रखा था हमने, उसको यहाँ पर बचा लिया। लेवल इसी के साथ कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस यार, अब बारी आ चुकी है हमारी टीचर का बर्थडे खराब करने की। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खुश है आज, क्योंकि आज है इसका बर्थडे, और लगता है ये केक वेक भी बनाने वाली है, तो हम इसको पूरा खराब करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, तो इसका केक यहाँ पर अभी टेबल के ऊपर पड़ा है, हमें इसको पूरा खराब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चाहकर हमें एक फायर क्रैकर ढूंढना पड़ेगा, तो देखते हैं फायर क्रैकर हमें कहाँ पर मिलने वाला है। अभी ये जस्ट सामने बैठी है, मैं इधर से तो नहीं घुस सकता, इस वाले रूम से घुसते हैं। अभी हम यहाँ पर चलेंगे, और हमें ढूंढना है फायर क्रैकर कहाँ मिलने वाला है। इधर है क्या फायर क्रैकर? इधर तो नहीं है। तो गाइस यार, अभी हम लोग आ चुके हैं शेड में, और हमें यहाँ पर चाहिए फायर क्रैकर। तो फायर क्रैकर
अपने यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ पर कितनी सारी चीजें पड़ी है, तो अगली बार याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी है। तो फायर क्रैकर तो मुझे मिल चुका है और गाइस सर हमें इस फायर क्रैकर को रिप्लेस करना है उसकी कैंडल से। तो मतलब जैसे वो केक की कैंडल जलाएंगे यहाँ पर फायर क्रैकर जलने वाला है, वो जस्ट सामने खड़ी है, मैं अभी अंदर नहीं जा सकता, रुक जाओ, इसको कहीं दूर जाना पड़ेगा, ये जस्ट केक के पास बैठी है, हमें केक को क्या देखे जा रही है, जाना यहाँ से। तो आप देख सकते हो वो टीचर सामने घूम रही है, इस तरफ क्यों आई है यार ये, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। घर में और कहीं से एंट्री करने की कोशिश अगर हम करें तो यहाँ से नहीं आ सकते, कुछ नहीं है। और ये तो लिटरली घर के बाहर ही आ चुकी है, अबे ये क्यों आ रही है, रुक जाओ यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ चुपचाप, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते हैं, यही सही टाइम है अंदर जाने का। ये वो वापस से अंदर जा चुके हैं, अभी ऊपर वाले फ्लोर पे अगर आ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन चल लेते हैं। सामने आप देख सकते हो केक पड़ा है, वो रहा जस्ट सामने, हमें जहाँ पर लगानी है ये खतरनाक सा फायर क्रैकर। तो अभी उसको जाने देते हैं किसी रूम के अंदर और यहाँ से सही टाइम है कूदने का, जल्दी कूद। तो गाइस अभी हमारी टीचर निकल चुकी है टीवी देखने, अरे आ भी रही है टीवी देख के, अबे यार जल्दी 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 जाना पड़ेगा, जल्दी चलते, देख लिया 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 देख लिया, भागो 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 भागो, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगी, आना पकड़ के दिखा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पर फायर क्रैकर लगा दिया, पर मुझे उसको कैंडल की तरह दिखाना था, रुक जाओ इसको वापस से यहाँ पर बुलाते हैं, इधर आ जा। अभी मुझे वापस से अंदर यहाँ पर घुसना पड़ेगा कि उसको कैंडल की तरह दिखाना भी है, तो अभी फटाफट से अंदर जाएंगे, नहीं यार वो देख लेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर अपने पास बुलाते हैं, आजा, यहाँ से भागेंगे, आजा, ये मुझे नहीं ढूंढ पा रही, वापस से बुलाना पड़ेगा, इधर आ, रुक जाओ इसको ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाते हैं, ओ आंटी ये रहा मैं, इधर आओ ऊपर देखो ऊपर, अबे तो मुझे देख ही नहीं पा रही यार, मैं कैंडल को कैसे करूं, ये देखो हुई, अभी ये मुझे पकड़ गई रही, ये क्या हो गया, ये तो मुझे पकड़ ही नहीं रही। तो गाइस अभी हमें वापस से पूरा का पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमें पकड़ लिया था, पहले पकड़ नहीं रही थी फिर एकदम से पकड़ लिया था, हमें वापस से फायर क्रैकर ढूंढना पड़ेगा, फिर केक के अंदर लगाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो फटाफट से फायर क्रैकर तो इधर ही मिलने वाला है, फायर क्रैकर हमने यहाँ पर उठा लिया है, हमें इसको लगाने के बाद उसको कैंडल जैसा दिखाना भी है, तो वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर कोई बात नहीं हम करके रहेंगे, हमें इनको कैसे भी करके परेशान तो करना ही है। ये अभी अपने खुद की फोटो देखे जा रही है साइड, मुझे इसका वेट करना पड़ेगा किसी रूम में जाने का, तो यहाँ पर अभी अपन छुपे रहते हैं ताकि ये मुझे देख ना ले। अरे गाइज़र इसने तो मुझे यहाँ पर देख लिया है और ये यहाँ पर अभी मेरे पीछे पीछे आ रही है ऊपर फुल स्पीड में, मुझे भागते रहना चाहिए, मुझे जल्दी-जल्दी नीचे जाना पड़ेगा ताकि मैं उस कैंडल को रिप्लेस कर सकूं, और ये मेरे पीछे अभी भी भागी जा रही है, आ जाओ पकड़ के दिखाओ कितना धीरे भाग रही है, मैं तो आराम से भाग सकता हूँ यहाँ से, फटाफट से नीचे कूद जाएंगे और इधर कैंडल की जगह ये लगा देते हैं और ये मेक इन लुक का कैंडल कर देंगे फटाफट से, और वो यहाँ पर आ चुकी है, मुझे भागना चाहिए जल्दी भागना चाहिए, तो मेरे हाथ में केक तो आ चुका है और ये टेप भी आ चुका है, हमें कैसे भाग रही है मेरे पीछे पीछे, जल्दी भागो, आ जा, ये यहाँ से आएगी, मैं यहाँ से जंप करूंगा, जल्दी से जंप कर लेते हैं और इस केक के ऊपर लगा देंगे, बूम 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 बूम, और इसने मुझे फिर से देख लिया यहाँ पर, कैसे मेक इट लुक लाइक कैंडल हमें करना है, कैसे करूं समझ नहीं आ रहा यार, ये मेरे पीछे बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर क्या टेप लगा दूं क्या, यहाँ पर मैंने कुछ तो करना पड़ेगा, भागो, मैं तो यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो कैंडल बन चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेक इट लुक लाइक कैंडल कैसे पर समझ नहीं आ रहा। तो गाइस इसने मुझे यहाँ पर वापस से पकड़ लिया, मतलब हम वापस से फेल हो चुके हैं, ये सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो गाइस ये आखिरी मौका है हमारे पास, हमें इस बार कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, पिछली बार हमें बस उसको कैंडल जैसा दिखाना था, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर गाइस अब मुझे वहां पर एक टेप दिख चुका है जिसकी मदद से हम उसको कैंडल जैसा दिखा सकते हैं। अरे ये क्या उठा लिया मैंने, अब यहाँ पर हमें फायर क्रैकर मिल चुका है और ये आंटी यार बाहर क्या कर रही है, एक तो बार बार बाहर क्यों जाती है, एक तो ये ज्यादा देर के लिए रूम में भी नहीं रह रही है, बार बार बाहर आ जा रही है, तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, अब इसको कहीं जाने का वेट करते हैं, देखते हैं किधर जाने वाली है, एक सेकंड लगता है ये तो ऊपर ही आ रही है, अरे यार ये गलत टाइम पे क्यों करते हैं, हमें मुझे वापस से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से फटाफट से नीचे चल लेते हैं और यही सही टाइम है, अंदर घुस के जल्दी जल्दी कैंडल को रिप्लेस करेंगे, टेप लगाएंगे और हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा, अभी फटाफट से चलते हैं, वो वापस क्यों आ रही है, अब ये तो चीटिंग है, वो ऐसे देखने गई थी कि ऊपर मुझे वापस से बाहर निकलना पड़ेगा, बार बार जा रही है बार बार आ रही है, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा, यहाँ से अंदर घुसते हैं फटाफट से, अंदर चलते हैं, इस बार देखते हैं ये किस तरफ जाने वाली है, वापस से बाहर जा रही है लगता है, यहाँ से सही टाइम है अंदर जाने का, अरे ये वहां पर रुक क्यों गई, क्या चल रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना क्या चाहती है, वापस से ऊपर जा रही है, चलो अभी फटाफट से चलते हैं, अब टेप का मुझे ऑप्शन भी दिखा रहे, फिर से देख लिया मुझे, आजा कहां से आ रही है, यहां से भागूंगा ऊपर, भागो, और ये मुझे देख तो बार बार आजा कहां से आ रही है, इधर से आ रही है तो मैं इधर से जाऊंगा, अबे यार ऊपर आजा, यहां से
ऊपर आ रही है, मैं यहाँ से जंप कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पर अपना केक पे कैंडल लगाएंगे, टेप उठाएंगे, आगे 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 भागो 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 भागो, ये मुझे पकड़ने ले, ये मुझे पकड़ ले, पकड़ लिया। तो गाइस सर अभी यहाँ पर हमने सारा का सारा काम कर दिया है, टेप यहाँ पर लगा देते फटाफट से, ये ले, और ये कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। चलती चलती यहाँ से निकल लेते हैं और हमारा काम फाइनली यहाँ पर हो चुका है। अब आने वाला है मजा, यहाँ पर अपन छुप जाते हैं फटाफट से और ये जाकर अपना केक काटेगी और बहुत ही खतरनाक मजा आने वाला है। फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। इतनी देर से बार बार ये मुझे पकड़ती जा रही थी पर इस बार ये मुझे नहीं पकड़ पाई और हमने कैंडल अपनी यहाँ पर लगा दी है, मतलब वो फायर क्रैकर है, जब वो फटेगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो चलो जल्दी जल्दी उठा लो। और कैसर यहाँ पर आग लगने वाली है हमारे पटाखे के अंदर और ये लगी आग, इनको लग रहा है कि यहाँ पर ये हैप्पी बर्थडे होने वाला है इनका, और ये हैप्पी बर्थडे नहीं, बूम, और ये गाइजर इसका पूरा का पूरा फेस खराब, कपड़े खराब और हमारा यहाँ पर लेवल कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली इतनी मुश्किल से ये लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसर अभी हमारी आखिरी लेवल यहाँ पर होने वाली है, हमें हमारी टीचर की बुक के अंदर स्पाइडर डालना है जो उनकी फेवरेट बुक है, उनके अंदर हम एक मकड़ी डालने वाले हैं। तो कैसर अभी हम घुसने वाले वापस से इस घर के अंदर, तो सामने ही कड़ी थी, अबे ऐसे कौन डराता है मुझे, फटाफट अभी वापस ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, मैं तो बहुत ही खतरनाक डर गया एकदम से, सामने ही कड़ी थी बिल्कुल। अब ये घर के बाहर खड़ी है, हमें आना है ऊपर वाले फ्लोर पर, हम आ चुके हैं, हमें जाना है स्कल्पचर रूम में और उधर स्पाइडर ढूंढना है। तो फटाफट से चलते हैं उस रूम के अंदर और मुझे लगता है ये ऊपर ही आने वाली होगी। यहाँ से हमें चाहिए ये क्या है, फाइंड द स्पाइडर। अब ये स्पाइडर कहाँ पे मिलेगा ये ढूंढना पड़ेगा। तो कहे सर अभी हम निकल चुके स्पाइडर ढूंढने, अभी आंटी यहाँ पर मेरी टीचर जो है फटाफट से बैठ के टीवी देख रही है, तो अभी फटाफट से हम चलते हैं टॉर्चर रूम में, यहाँ पे सारा का सारा सामान है। और कैसर यहाँ पर अभी स्पाइडर हमें मिल चुका है, ये स्पाइडर तो खतरनाक है, ये कहीं मुझे ही ना काट ले, फटाफट से खोलते हैं और इसको पकड़ लेते हैं, प्लेस इट इन द बुक, लेट्स गो। अभी यहाँ पर हमें मिल चुका है और ये टीचर सामने से आ रही है मुझे पकड़ ना ले, रुक जाओ मुझे नीचे वाले फ्लोर पर जाना है ना, तो फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं और नीचे वाले फ्लोर में चलते हैं, वो टीवी के वहां पर रख रहा है, यहाँ से कूद जाएंगे नीचे और सीधा टीवी वाले रूम में मैं यहाँ से घुसने वाला हूँ, वो आए टीचर उससे पहले हमें एक करना पड़ेगा, लेट्स गो। जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं और इसको बुक के अंदर रख देते हैं, ये खोली बुक और इसके अंदर स्पाइडर रख दिया, लेट्स गो, फटाफट से बाहर निकलते हैं और अपनी आखिरी लेवल भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी है। फटाफट से घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं हमारी टीचर का क्या हाल यहाँ पर होने वाला है। तो गाइस जब तक हमारी टीचर उस रूम की तरफ जा रही है, आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस मेरे से यहाँ पे थोड़ी गलती हो चुकी है, हमको स्टडी रूम के अंदर स्पाइडर डालना था और मैंने टीवी वाले में डाल दिया। तो गाइस अभी हम वापस से निकल चुके हैं उस स्पाइडर की तलाश में, जो पिछली बार मैंने गलत रूम के अंदर उसको डाल दिया था, तो अभी वापस ऊपर चलते हैं। मैं वही सोचूं इतना ज्यादा इजीली कैसे कंप्लीट हो गया, वैसे तो कभी इजीली कंप्लीट होता नहीं। अभी हमारी टीचर आ रही है ऊपर, ऊपर मुझे वेट करना पड़ेगा उधर जाने का, ये मुझे कहीं देख ना ले, आराम आराम से पीछे से जाएंगे ताकि ये मुझे देखे ना। और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं वर्कशॉप के अंदर और यहाँ से हमें उठाने हैं ये ग्लव्स ताकि वो स्पाइडर हमें ना काट ले। और वो टीचर उधर ही घूम रही है टॉर्चर रूम के आसपास, मुझे टॉर्चर रूम के पास ही तो जाना है, कैसे जाऊं यहाँ से, चलते हैं चुपचाप, मुझे कहीं देख ना ले। ओके वो अभी उधर घुस चुके हैं, यही टाइम है अंदर घुसने का, जल्दी टॉर्चर रूम में घुसेंगे, जल्दी जल्दी इसे स्पाइडर को यहाँ से लेकर निकलते हैं। ये स्पाइडर यहाँ से उठाएंगे, वो मेकअप कर रही है, अभी अभी मेकअप क्यों कर रही है, अभी यहाँ से फटाफट से निकलने का टाइम आ चुका है, जल्दी से स्टडी रूम में जाने का टाइम हो चुका है। और ये आ रही है नीचे, कूदते हैं फटाफट से, लेट्स गो स्टडी रूम, जल्दी 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 यहां से जाना पड़ेगा स्टडी रूम के अंदर, और इस बुक के अंदर हमें वो रखना है, फटाफट से स्पाइडर हमने रख दिया। अब यहां से निकलने का टाइम आ चुका है, कहां से निकलूं खुल जा सिम सिम। और गाइस हमारा टाइम आ चुका है यहां से निकलने का, वो भी किचन के अंदर घुसी है और इस बार तो ये सक्सेसफुल होने वाला है। और गाइस आप देख सकते हो हम यहां से निकल चुके हैं और वो जाने वाली है सीधा उस स्पाइडर वाली बुक के पास, मजा आने वाला है। और गाइस अभी टीचर घुस चुकी है स्टडी रूम में और यहाँ पर ये करेगी पढ़ाई, और पर वो स्पाइडर इसकी कटाई करने वाला है, बहुत ही बुरा काटने वाला है इसको। और ये बैठी, बुक खुली और सामने स्पाइडर मुंह में चिपक गया, ये तो बहुत ही खतरनाक था। तो गाइस फाइनली हमने ये वाली लेवल भी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया अपने टीचर को परेशान करने में, अगर आपको मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे आपसे डे 25 और एक और अगले खतरनाक गेम के साथ। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।